तेजस्वी बालक भगवान शिव की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पर शिक्षा प्रद कथा, तो यहाँ पर पूर्व काल में नर्मदा नदी के तट पर नरपुर नामक एक शहर था। वहाँ विष्णुनगर नामक का एक मुनि रहते थे। वह परम शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बड़ा ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सूचीमती ने उनसे कहा, स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम इतने समय से अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़ी? निसंकोच होकर कहो। देवी सूचीमती बोली, हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। पत्नी की बात सुनकर विश्वनगर क्षण भर के लिए स्तब्ध हो गया। वह सोचने लगे कि मेरी पत्नी ये कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिना की रुद्र स्वयं उनकी जीवा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को आश्वासन दे दिया। वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप कर द्वारा भगवान शंकर के वीरेश लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते ऐश्वनार को 12 मास बीत गए। 13वें मास में एक दिन स्नान आदि करके जैसे ही वो वीरेंग लिंग के निकट पहुँचे तो उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी तथा मुख पर मुस्कान खेल रही थी। उसके सर्वांग भस्मयुक्त थे तथा वह दिव्य बालक श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विष्णुनाथ मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने के लगे। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण अवश्य करूँगा। मैं उसके घर में पुत्र रूप में प्रकट हो जाऊँगा। उस अवतार में मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन स्व सभी देवतों का प्रिय होऊंगा। विष्णुहर ने भगवान शिव के बालक रूप को प्रणाम किया और अपने घर लौट गए। समय आने पर समस्त अभिष्टों के विनाशक तथा दोनों लोकों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सूचीमती के गर्भ से अवतार हुआ। उस बालक का नाम जाप जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विष्णुहर के घर उपस्थित हुए। उन्होंने उसका नाम गृहपति रखा। तत्पश्चात विश्वनहर ने स्वयं उस बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। वह जब बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विष्णुहर के घर पधारे। मुनि विष्णुहर ने उसका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसनादि दिए। तब नारद जी ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा ये पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुए है। विष्णु ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका महर्षि? महर्षि नारद ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या पानी का भय आएगा। यह सुनकर मुनि विष्णुहर उसके पत्नी गहन चिंता में डूब गए। इन्हें
इस प्रकार चिंताग्रस्त देखकर गृहपति ने कहा, पिताश्री आप चिंतित ना हो, देवाधिदेव महादेव की कृपा से कुछ नहीं होगा। ये तो कालों के विकार है, आप मुझे काशी जाने की आज्ञा दें। मणि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृहपति ने नित्य गंगा जल से पूर्ण 108 कलश द्वारा भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंत्र का जाप करने लगे। जब उन्होंने 12 वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए, बोले, परिवर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, अपनी इच्छानुसार वर मांगो। इस पर गृहपति ने बोले, आप चले जाइए इंद्रदेव, मैं पशुपतिनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर नहीं पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप छल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो है। बालक गृहपति की बात सुनकर इंद्र को क्रोध आ गया। उसने वज्र से उसे डराया, जिससे गृहपति को मूर्छा आ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, उठो वत्स, जो मेरा भक्त है। उस पर इंद्र तो क्या यम भी दृष्टि नहीं डाल सकता, आज से मैं तुम्हें अग्नि पद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। हर हर महादेव। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपति घर लौट आए।